नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप परफेक्ट होंगे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड होंगे। आज फिर आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो लेकर, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास मेल से, एसएमएस से, व्हाट्सएप से रिसीव होते हैं, उसका कंक्लूजन निकाल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो मैं आपके सामने वीडियो के थ्रू लाता हूँ। तो आज भी ये वीडियो उसी से रिलेटेड है और क्वेश्चन है, ये वीडियो रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ द पर्सन ये कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आखिर ये ट्रस्ट है क्या, चैरिटेबल ट्रस्ट है क्या। तो मैं आपको आज वीडियो के थ्रू आपको ये एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि एनजीओ की जो कैटेगरी होती है ट्रस्ट, वो होती क्या है, और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पास्ट वीडियो में बताया कि एनजीओ तीन तरह से होती हैं, तीन कैटेगरी होती हैं। एक होती है सोसाइटी, एक होती है ट्रस्ट और एक होती है सेक्शन 8 कंपनी। लेकिन काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट का जो क्वेश्चन है ये रहता है कि ये ट्रस्ट होती क्या है। ट्रस्ट का नाम तो सुना होता है लेकिन ये नहीं पता होता कि इसका फंक्शनलिटी क्या होती है, कैसे ये बनती है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या मीनिंग होता है। हाँ, हिंदी मीनिंग तो सबको पता है कि ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना, लेकिन ये एनजीओ से कैसे कनेक्टेड है, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर ट्रस्ट होती क्या है, उसकी कैटेगरी कितनी है और उसमें से कौन सी कैटेगरी को आप एनजीओ कहेंगे। और जैसे ही आप एनजीओ कहेंगे ऐसे ही आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी। तो किन ट्रस्ट को करती है गवर्नमेंट हेल्प, किस कैटेगरी को करती है आपको गवर्नमेंट हेल्प, वो आपको आज ही क्लियर होगा। तो दोस्तों, चलते हैं ट्रस्ट पे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट है क्या, अगर मैं इसका हिंदी मीनिंग देखूं तो इसका हिंदी मीनिंग निकलता है विश्वास करना। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा और एक स्टोरी के थ्रू आपसे ये स्टोरी शेयर करूँगा। अगर आपने ये स्टोरी अच्छी तरह से समझी तो आज के बाद आपको ट्रस्ट में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। वो स्टोरी क्या है, सपोज कीजिए एक मिस्टर ए हैं और उनकी फैमिली में कोई नहीं, बस उनका एक बेटा है जिसकी एज 10 साल है। अब मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है और उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है। अचानक उन्हें पता लगता है कि उन्हें कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है कि अब वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। रात को वो बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि भाई मेरी प्रॉपर्टी का, मेरे बिजनेस का क्या होगा, जितनी मेरी असेट्स है इसका क्या होगा, क्योंकि मेरी फैमिली में तो केवल एक ही पर्सन बेटा है और उसकी भी एज 10 साल है। इस कन्फ्यूजन के साथ वो रात को सोचते हैं और अगले दिन उन्हें दिखाई देते हैं कि उनका एक दोस्त है जो इसमें उनकी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट डे वो अपने दोस्त के पास जाते हैं, सपोज करते हैं वो मिस्टर बी है, तो मिस्टर बी के पास जाके वो अपनी बात बताते हैं कि भाई तुम मेरे दोस्त हो और मुझे ये वाली प्रॉब्लम डिडक्ट हुई है, अब मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाऊँगा, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है। तो मिस्टर बी कहते हैं कि बताओ ना मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो वो मिस्टर बी को बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि मेरी जितनी भी असेट्स हैं या जितने भी मेरे बैंक में अमाउंट है या मेरी इमोवेबल प्रॉपर्टी है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाद मेरे बच्चे के बेनिफिट के लिए यूज़ हो। तो मिस्टर बी कहते हैं कि भाई बताओ मुझे क्या करना है इसके बारे में, मुझे क्या करना है, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो मिस्टर ए कहते हैं कि मुझे आप पे पूरा विश्वास है, मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है। आप नोट कीजिए पॉइंट को, पूरा ट्रस्ट है। तो मिस्टर बी कहते हैं आप मुझे बताइए, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा कर देता हूँ। तो मिस्टर ए उन्हें बताते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी का कैसे कैसे यूज़ होना है मेरे बाद, कि जितनी भी प्रॉपर्टी का रेंट आए वो मेरे बेटे के लिए यूज़ हो जाए, जितना मेरे बैंक में पड़ा हुआ है उसका इंटरेस्ट आए वो मेरे बेटे के लिए यूज़ हो जाए, जितनी भी मेरी असेट्स हैं जैसे ही मेरा बेटा 18 साल का मैच्योरिटी लेवल अटेंड करेगा तो सारी असेट्स आप उन्हें ट्रांसफ़र कर देना। तो मिस्टर बी कहते हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर देता हूँ। ऐसा कह के मिस्टर ए अपने घर पर चले जाते हैं रात को, क्योंकि उन्हें एक ऐसी डिजीज़ डिटेक्ट हुई है जो वो अब ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, और अपने बेटे की केयर करना तो हर किसी के फादर का एक राइट होता है। तो रात को वो सोचते हैं कि यार मेरे मरने के बाद या मेरे एक्सपायर होने के बाद मेरा दोस्त मेरा साथ दे या ना दे, उनके मन में फिर दोबारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो क्या करना चाहिए। तो वो अगले दिन मिस्टर बी के पास फिर दोबारा जाते हैं, कहते हैं कि रात जो हमारा डिस्कशन हुआ था, मुझे पता है आप मेरे दोस्त हैं और आप मेरी हेल्प भी करेंगे, मेरे मन में एक छोटा सा कन्फ्यूजन है। मिस्टर बी कहते हैं बताइए क्या कन्फ्यूजन है, मुझे तो अपने दोस्त की हेल्प करनी है। तो वो कहते हैं कि जो मैंने आपसे कहा मैं ये चाहता हूँ कि वो एक रिटर्न में हो जाए, एक हम पेपर पे लिख लें और उसकी एक कॉपी आप रख लें और एक कॉपी मैं अपने पास रखूँगा, जिससे ये पता रहे कि मैं आपको ये डायरेक्शन दे के गया हूँ। तो मिस्टर बी बड़ा सरप्राइज होते हैं, कहते हैं मुझे तो आपकी हेल्प ही करनी है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक पेपर पर लिख सकते हैं इस चीज़ को। वो सारी चीज़ उस पेपर पर लिख देते हैं और उस पर मैं भी साइन कर देता हूँ और मिस्टर बी भी साइन कर देते हैं कि हमारा ये कमिटमेंट हुआ है। मिस्टर ए जब वापस जाते हैं तो उन्हें लगता है रात को
कि ये लिखा तो गया है लेकिन मेरे एक्सपायर होने के बाद हो सकता है ये चेंज हो जाए, हो सकता है मेरे जो दोस्त है उसका मन बदल जाए। तो फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक तरीका, एक लीगल वे आता है। अगले दिन फिर वे उनके पास जाते हैं और कहते हैं, दोस्त देखो नाराज मत होना क्योंकि मेरी मेंटली स्थिति ठीक नहीं है, तो आप मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमने ये लिखा है ये हम गवर्नमेंट को रजिस्टर्ड करा दें, SDM ऑफिस में जाके रजिस्टर करा दें, जिससे जिसमें जो भी हमने कंटेंट लिखे हैं, जो भी पॉइंट लिखे हैं, वो कभी ज़िंदगी में चेंज ना हो पाए। और आप जैसे मैंने डायरेक्शन आपको दी है ऐसा क्या ऐसा आप इसे फॉलो कर लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है कि आप इसे फॉलो कर लेंगे और मैं भी टेंशन फ्री रहूँगा। तो मिस्टर बी उस चीज़ को एग्री कर जाते हैं, कहते हैं ठीक है हम इसे रजिस्टर करा लेते हैं क्योंकि उसकी एक कॉपी गवर्नमेंट के पास रहेगी तो उसमें कंटेंट चेंज होने के पॉसिबल नहीं है। जब बेटा 18 साल का होगा उसे पता लगेगा उसके फादर ने इन इन कंडीशन पे इन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी, मिस्टर बी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो वो फिर उसी वे में रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे जिस वे में मिस्टर ए ने अपनी डीड में लिखा और गवर्नमेंट को रजिस्टर्ड कराया। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक ट्रस्ट क्रिएट हुई है। नोट कीजिए, एक ट्रस्ट है। किसके बीच में ट्रस्ट है? मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में ट्रस्ट क्रिएट हुई है। जब हमने इसे एक रिटर्न में दे दिया तो ये एक जो जिस पेपर पे हमने ये लिखा और दोनों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, इसे कहते हैं ट्रस्ट डीड, कि इस डीड पे हमने ये प्रोविजंस लिखे हैं। और जब हम इस ट्रस्ट डीड को गवर्नमेंट को रजिस्टर्ड करा देते हैं तो इसे कहते हैं रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड, कि गवर्नमेंट के यहाँ पे ये रजिस्टर्ड है, ये चेंज नहीं हो सकती। तो ये है कंसेप्ट ट्रस्ट का, कि ट्रस्ट है क्या। अब इसमें इंपॉर्टेंट मैटर ये है दोस्तों कि ये जो ट्रस्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रस्ट को क्रिएट करने में कितने बंदे इन्वॉल्व हैं, कितने पर्सन इन्वॉल्व हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या दो या तीन? कुछ लोग कहेंगे दो बंदे इन्वॉल्व हैं और कुछ कहेंगे तीन पर्सन इन्वॉल्व हैं। तो मेरा देखिए इसमें तीन बंदे हैं। नंबर एक मैं, यानी कि जिसने ये ट्रस्ट बनाई, आई एम द फाउंडर मेंबर, मैंने क्रिएट करी। और मैंने ट्रस्ट किस पे किया? अपने दोस्त पे किया, मिस्टर बी पे। तो वो ट्रस्टी होंगे इस ट्रस्ट के। तो एक तो हुआ फाउंडर मेंबर जिसने ये क्रिएट की, दूसरे हुए ट्रस्टी जिस पे मैंने ट्रस्ट किया, और एक इम्पोर्टेंट पर्सन है कि ये ट्रस्ट किसके बेनिफिट के लिए यूज़ करी गई। तो इसका सारा बेनिफिट मेरे बेटे को जाएगा, यानी कि मेरे पर्सनल रिलेशन को जा रहा है। तो यही इम्पोर्टेंट है कि जब ये ट्रस्ट क्रिएट होती है फॉर द बेनिफिट ऑफ माई फैमिली मेंबर, तो ये एक तरह की ट्रस्ट होती है जिसे कहते हैं हम प्राइवेट ट्रस्ट। समझ रहे हैं? इस ये जो ट्रस्ट मैंने आपको वर्ड यूज़ किया, मैं NGO की बात नहीं कर रहा, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये ट्रस्ट होती क्या है। तो जैसे ही ये ट्रस्ट क्रिएट हुई, अब हमें ये देखना है ट्रस्ट कितने तरह की होती है। तो दोस्तों ट्रस्ट मेनली तीन तरह की ट्रस्ट होती है। एक होती है प्राइवेट ट्रस्ट, एक होती है रिलीजियस ट्रस्ट, और एक होती है चैरिटेबल ट्रस्ट। ये तीन तरह की ट्रस्ट क्रिएट होती है। अब प्राइवेट ट्रस्ट क्या है? देखो जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया उस एग्जाम्पल के हिसाब से जब दो बंदों में ट्रस्ट क्रिएट होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ माई पर्सनल फैमिली मेंबर, इट इज़ नोन एज ए प्राइवेट ट्रस्ट। यानी कि मेरे प्राइवेट बेनिफिट के लिए है, मेरे बेटे के लिए, मेरी फैमिली मेंबर के लिए है, तो दिस इज नोन एज ए प्राइवेट ट्रस्ट। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि रिलीजियस ट्रस्ट क्या होती होगी। इसका आंसर है दोस्तों, सपोज कीजिए कि मुझे वैष्णो देवी माँ पे बहुत विश्वास है, मैं या शंकर भगवान पे बहुत विश्वास है, और मैं शंकर भगवान का मंदिर बनाना चाहता हूँ, और इस मंदिर में मुझे दो तीन बंदे ऐसे चाहिए जिन पे मैं विश्वास कर सकूँ। इसी प्रीवियस एग्जांपल में अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक मंदिर बनाना है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मैं आपको बताऊंगा पैसा कैसे आएगा, कैसे यूज़ करना है, कैसे कंस्ट्रक्शन होनी है, मैं आपको मंदिर बनाने में हेल्प चाहिए, और वो इसके लिए एग्री हो जाते हैं। फिर हम एक कंडीशंस लिखते हैं, फिर हम उसे रजिस्टर्ड करा लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट हुई। फाउंडर मेंबर कौन हुए? मिस्टर ए। किसके ऊपर ट्रस्ट किया? मिस्टर बी के ऊपर। लेकिन मंदिर का जो बेनिफिट है वो किसे जाएगा? बेनिफिशियरी कौन है? व्हेन द ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देन इट इज ए रिलीजियस ट्रस्ट। अब मैंने मंदिर का एग्जाम्पल लिया, तो मंदिर के एग्जाम्पल में किसको बेनिफिट जाएगा? मंदिर में कौन आएंगे? सारे हिंदू आएंगे। तो दिस इज ए रिलीजियस ट्रस्ट। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब ट्रस्ट क्रिएट होती है फॉर द बेनिफिट फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, या तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो एक रिलीजियस ट्रस्ट है, उसका बेनिफिट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को जा रहा है। क्लियर हुआ? तीसरी तरह की ट्रस्ट मैंने आपको बताई, चैरिटेबल ट्रस्ट। अब ये चैरिटेबल ट्रस्ट आप ही बताइए क्या होगा। जब हम कोई ट्रस्ट क्रिएट करते हैं और उसका बेनिफिट पब्लिक एट लार्ज जाए, उसका बेनिफिट किसी पर्टिकुलर रिलीजियस पे ना जाए,
बल्कि सब उसमें यूज कर सकते हो, तो दिस इज नोन एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल फॉर एग्जाम्पल कैंसर हॉस्पिटल बनाता हूँ ट्रस्ट के अंदर, तो कोई भी जिसमें कैंसर है चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है वो आके उसमें ट्रीटमेंट करा सकता है। तो इसे कहेंगे व्हेन द ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन विदाउट बिजनेस, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं, जनरल पब्लिक के लिए, जिसे कैंसर है वो आके ट्रीटमेंट करा ले, तो दिस इज नोन एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट। तो मुझे उम्मीद है तीनों तरह की ट्रस्ट आपको पता लगी, प्राइवेट ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट जब बनती है जब मुझे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बनानी हो, अपने पर्सनल फैमिली मेंबर के बेनिफिट के लिए बनानी हो, और सेकंड रिलीजियस जब मुझे पर्टिकुलर कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए बनानी हो, और थर्ड चैरिटेबल जब कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई बेस नहीं है, बल्कि पब्लिक एट लार्ज सबके लिए है, तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट कहलाएगी। क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप लॉजिकल बताना कि गवर्नमेंट के सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन सी ट्रस्ट को होंगे। गवर्नमेंट की नज़र में भाई गवर्नमेंट है वो सबका डेवलपमेंट सोचती है, इंडिया की गवर्नमेंट है तो सबका डेवलपमेंट करना है, तो क्या बेनिफिट गवर्नमेंट के प्राइवेट ट्रस्ट को मिलने चाहिए, रिलीजियस ट्रस्ट को मिलने चाहिए या चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलने चाहिए? आंसर होगा चैरिटेबल, क्योंकि उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, बल्कि सब पब्लिक एट लार्ज के लिए है और हर लोगों के लिए है। तो दोस्तों जब हम एनजीओ की बात करेंगे तो जब जैसी कैटेगरी आई एनजीओ तो उसमें प्राइवेट ट्रस्ट तो एनजीओ का पार्ट होते ही नहीं है, तो अगर प्राइवेट ट्रस्ट है तो उसे एनजीओ के स्कोप से आउट कर दीजिए, क्योंकि प्राइवेट ट्रस्ट को एनजीओ का एक भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप वो अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। दूसरा है रिलीजियस, पब्लिक है लेकिन चैरिटेबल से कम है तो उसके बेनिफिट गवर्नमेंट के कुछ कम होंगे। अगर कोई गवर्नमेंट पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बेनिफिट देना चाह रही है तो रिलीजियस ट्रस्ट को वो कंसिडर कर सकती है, और चैरिटेबल को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होंगे क्योंकि पब्लिक एट लार्ज है, विदाउट बेस है, कैंसर हॉस्पिटल बनाना है कोई भी आके कैंसर का वहाँ पे ट्रीटमेंट कराए, एजुकेशन देनी है कोई भी आए अपना एजुकेशन ले, वोकेशनल ट्रेनिंग चलाना है कोई भी आए ट्रेनिंग ले ले। आप समझ रहे हैं कंसेप्ट क्या है? तो ये तीन तरह की ट्रस्ट, लेकिन इन तीनों तरह की ट्रस्ट में प्राइवेट ट्रस्ट एनजीओ का पार्ट नहीं है, केवल रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट ही हमारी एनजीओ का पार्ट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने काफ़ी वीडियो में देखा होगा, काफ़ी यूट्यूब वीडियो में देखा होगा, जब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है, और अगर है रजिस्टर्ड कराना चाहिए तो किस एक्ट में रजिस्टर्ड होगा, तो मोस्ट ऑफ दी आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और वहाँ पे लिखा होगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 कि ये जो एनजीओ जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट हैं ये रजिस्टर्ड होती हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में, ऐसा बताया गया है। लेकिन अगर आप इंडियन 1882 के एक्ट को पढ़ें तो उसमें स्टार्टिंग में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का एक भी प्रोविजन चैरिटेबल और रिलीजियस पे अप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब फिर वो एक्ट किसके लिए? वो केवल प्राइवेट ट्रस्ट के लिए। प्राइवेट ट्रस्ट अगर है तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के जो प्रोविज़न है वो उस पर अप्लीकेबल हो जाएंगे, और जो चैरिटेबल और रिलीजियस है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के प्रोविज़न उस पर अप्लीकेबल नहीं होंगे, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना था, क्यों? क्योंकि मैं इतनी सेमिनार्स 15 साल से दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन हर जगह क्रिएट होता है, बाय प्रोफेशनल भी क्रिएट होता है और बाय नॉर्मल पार्टिसिपेंट भी होता है कि सर ट्रस्ट जो होती है ये कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं। तो आंसर है 1882 में, 90% लोग कहते हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर प्राइवेट ट्रस्ट, नॉट चैरिटेबल एंड रिलीजियस। तो ये थी कहानी दोस्तों ट्रस्ट की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट आज क्लियर हुआ होगा और आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ये ट्रस्ट होती क्या है और ट्रस्ट की कौन सी कैटेगरी हमारी एनजीओ कहलाती है, प्राइवेट, रिलीजियस या चैरिटेबल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। थैंक यू सो मच। मैं आपको नई नई वीडियो लाता रहूँगा, नई नई इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ आपका अगर कोई भी क्वेश्चन एनजीओ से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, क्योंकि आपके क्वेश्चन ही मेरी असेट्स हैं, आपके क्वेश्चन से ही मैं एक्सपीरियंस बनता हूँ, आपके क्वेश्चन से ही मैं एक्सपर्ट बनता हूँ। आज तक मेरे जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, आज मैं जिस लेवल पे भी एनजीओ की आपको एडवाइस देता हूँ या इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ वो केवल आप लोगों की वजह से है। आप मेरे से वो क्वेश्चन पूछते हैं जब मुझे पढ़ना पड़ता है, वो मेरी असेट्स बन जाती है। तो आप अपने क्वेश्चन दिल खोल के पूछिए, आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।